है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे बालेश्वर मंदिर, जो कि लालगंज में रेलवे कोच फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में है। तो यहाँ पे काफी भीड़ है और काफी लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो और हम लोग भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो काफी भीड़ है और काफी बड़ा मेला भी लगा है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और यहाँ पे महाशिवरात्रि को ही एक बड़ा सा मेला लगता है। तो आ गए हैं बिल्कुल मेला के पास में, ये पीछे मेला का सीन। तो चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको महाकाल जय भोलेनाथ की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, इसके लिए एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यही जो पीछे रास्ता है ये जाता है मंदिर को, और मेला भी इस साइड में लगा है। तो चलते हैं पहले मंदिर के साइड में, ये है पीछे मंदिर का रास्ता। तो चलते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले। सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है, यहाँ से लाइन लगा हुआ है। ये पीछे मंदिर है और बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, देखते रहिए। अब चलेंगे मेला के साइड में। तो ये है पीछे हमारे मंदिर का, ये लंबा लाइन लगा हुआ है पूरा। हम तो चेले भी उनके हैं जिनका कोई गुरु नहीं था। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे। ना पूछ मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का। दोस्तों मंदिर में भी काफी भीड़ थी, यानी कि काफी ज्यादा लाइन लगानी पड़ेगी अगर आपको शंकर जी यानी महाकाल के दर्शन करने हैं भोले बाबा के। तो कम से कम 2-3 घंटे लाइन जरूर लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया था, अपने गांव में जो भोले बाबा का मंदिर है वहां पे सबसे पहले जल चढ़ा लिया था, और यहां पर आए थे सिर्फ घूमने के लिए। तो यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, और ये पीछे पूरा मेला का सीन, मेला में भी काफी भीड़ है। तो चलते हैं एक बार मेला के अंदर और घुमाते हैं आपको मेला। और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, यानी कि करीब 3 दिन लगता है। तो आज है शिवरात्रि, तो आज शुरू हुआ है मेला और 2 दिन अभी और रहेगा। तो एक बार चलते हैं मेला के अंदर, ये पूरा सीन।
मेला में भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये मेला 2 से 3 दिन लगातार चलता है, प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज है पहला दिन, तो अभी शुरू ही हुआ है। यही था कम्प्लीटली सीन बालेश्वर मंदिर और मेला का। तो आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद यार एक लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के और सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो यह जो ये मंदिर है बिल्कुल स्थित है जो लालगंज रायबरेली रोड है, वहाँ पे लालगंज पड़ता है। लालगंज में है एक रेलवे कोच फैक्ट्री, और उसके जस्ट बगल में ही है बालेश्वर बाबा का मंदिर, जो कि भोले बाबा शिव शंकर महाकाल को समर्पित है बालेश्वर मंदिर। तो चलते अपने घर को, और यही था पूरा सीन। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।